अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास आईफोन 6s है जो कि ऑलरेडी सीरियल नंबर इसका चेंज हुआ है और ये 15.7.3 पे या 1 पे अपडेट है ऑलमोस्ट। तो हम इसको जो है बाईपास करेंगे यूजिंग DCSD केबल, क्योंकि ऑलरेडी चेंज CN में हमको दोबारा CN चेंज करना पड़ता है क्योंकि उस पर नो CN का मेथड वर्क नहीं करता है। तो इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाया, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ोन सक्सेसफुली बाईपास हो जाएगा। तो मैं इसकी गेट एक्टिवेशन लेने की कोशिश की है मैंने, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ वो मेथड। तो गाइज़ आपने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं इसको मैं DFU मोड पे ले आता हूँ। DFU मोड पे लाने के बाद हम इसको PWM DFU पे लेके जाएंगे और हम अपना प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं बनाता रहूं। ये देखिए हमारा फ़ोन DFU पे आ गया है। DFU पे कनेक्ट होने के बाद आपने इसको गैस्टर पे हम इसको बूट करते हैं। तो गाइज ये जा रहा है हमारा फ़ोन, डैग बूट हो रही है। तो ये जैसे ही हमारा फ़ोन PWM DFU पे आ जाएगा तो हम इसको डैग को बूट करेंगे RAMDIX, और RAMDIX का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने अनलॉक टूल के फोल्डर में जाके डेटा फाइल में जाके आपने एप्पल में जाके पेस्ट करनी है। तो ये जैसा मेरा फ़ोन गैस्टर RAMDIX पे बूट हो जाता है उसके बाद मैं इसकी जो है RAMDIX को डैग की जो RAMDIX है उसको बूट करा दूंगा फ़ोन पे, और इस तरह हमारा जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा PWM DFU हो गया है, और मैं ये देखें इसकी जो डैग की फाइल है वो RAMDIX इस पर बूट कर देता हूँ। तो ये RAMDIX बूट करने के बाद हम इसका सीरियल नंबर चेंज करेंगे और इसको हम फाइनली बाईपास करेंगे गेट एक्टिवेशन लेकर। तो ये हमारा फ़ोन बाईपास होगा यूजिंग सीरियल चेंज मेथड। तो ये देखें ये मेरा फ़ोन बूट ले रहा है डैग पे। तो ये देखें पर्पल मोड और इस पर जो है डैग मोड आ गया। तो ये डैग मोड पे डायरेक्ट जो है आपकी सीरियल नंबर को चेंज नहीं करेगा आपके। तो ये देखें मैं ट्राई करके देखता हूँ। ये देखें हमारी पोर्ट कनेक्ट नहीं हो रही, तो इसके लिए जो है स्पेशल केबल है जो कि DCSD केबल के नाम से, जिससे हम सीरियल नंबर राइट करते हैं, तो इस केबल से ये वर्क नहीं करेगा। तो ये केबल मैं रिमूव करूँगा। ये देखें ये DCSD केबल है, मैजिको की है मेरे पास। तो मैं इसको लगा के DCSD केबल को कनेक्ट करके इसका सीरियल चेंज करके हम इसका बाईपास करेंगे। तो ये मैं लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसी वीडियो मैंने इसीलिए इसी केबल से चेक कराया ताकि जो फेक वीडियोज़ हैं उसका आपको पता चल जाए, क्योंकि ये तो ये देखें ये कमांड हमारी रन नहीं हुई है। तो ये देखें ये मैजिको की जो केबल है DCSD केबल, मैं कनेक्ट करता हूँ, और इसको कनेक्ट करने के बाद मैं राइट की कमांड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी राइट सक्सेसफुली हो जाएगी और फ़ोन रीबूट होगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए गाइस सक्सेसफुली हो गया है हमारा, और मैं ऑन करके चेक कराता हूँ मैं आपको। और ऑन करने के बाद जो है बाकी सारे मेथड जो है वही वाले मेथड हैं जो कि पहले यूज़ कर चुका हूँ मैं वीडियोस में। तो ये देखें ये मैंने केबल इंसर्ट करी, अब ये जो भी काम होगा ये सारा जो है हमारी नॉर्मल केबल पे काम होगा। DCSD केबल आपको सिर्फ जो है सीरियल, ये देखिए हमारा सीरियल जो है अनलॉक टूल का जो सीरियल है उस पर आ गया है। तो अब मैं गेट एक्टिवेशन लेके बाकी अपना सारा काम कर लेता हूँ उस पर। तो सिर्फ हमारा सीरियल राइट करने पे हमारी DCSD केबल काम आएगी और उसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा केबल का। तो ये देखिए नॉर्मल केबल पे सारा काम हो रहा है। तो मैंने इसकी गेट एक्टिवेशन ले ली विथ सीरियल चेंज, क्योंकि हम सीरियल इसका चेंज कर चुके हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ऑलरेडी सीरियल चेंज नहीं है तो आप विदाउट चेंजिंग सीरियल भी ये मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये सक्सेसफुल होगा।
आपको सीरियल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर पहले से नहीं हुआ हुआ तो। ये देखें, ये मैंने इसकी गेट एक्टिवेशन ले ली है और ये सक्सेसफुल आ गई है क्योंकि विद सीरियल चेंज करी है। तो मैं अब इसको DFU मोड पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो DFU मोड पे कनेक्ट करने के बाद जो है सेम मेथड है सारे वो हमने अप्लाई करने। तो ये मेरा फ़ोन DFU पे कनेक्ट हो गया है। मैं आपको यूजिंग 3U टूल चेक भी कराता हूँ कि ये DFU पे कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें DFU पे कनेक्ट हुआ है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो ये इसको मैं अभी PW & DFU पे ले आता हूँ। बूट करने के बाद जो है रैम डिक्स बूट करनी है हमको। रैम डिक्स आप अनलॉक टूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेम मेथड के ज़रिए आप अनलॉक टूल के फोल्डर में पेस्ट कर दें और फिर इसको यहाँ से ऑप्शन से सेलेक्ट करके बूट कर लें। तो ये जैसे ही मेरा PW & DFU हो जाता है तो मैं इसकी रैम डिक्स बूट कर लूँगा। तो गाइज़, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो जैसे ही हो जाता है ये देखें ओके हो गया। अब हमने रैम डिक्स बूट कर ली है वाली। आपने जो रैम डिक्स से यही वाली करनी है iPhone 6S वाली, ताकि आपको कोई एरर का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसकी ये स्पेशल रैम डिक्स है जो 6S और 7 तक के लिए और iOS 15 पॉइंट समथिंग की जो है 15.xx की जो रैम डिक्स है वो आप करेंगे तो ही होगा। तो ये मेरी रैम डिक्स ऑलमोस्ट बूट हो गई है। ये देखें रैम डिक्स हमारी कंप्लीट बूट हो गई। तो उसके बाद हम बायपास हेलो पे क्लिक करेंगे विद सीरियल चेंज सीरियल। ये देखिए हमारी रैम डिक्स बूट हो गई विद चेंज सीरियल और ये हमारी बायपासिंग स्टार्ट हो गई है फ़ोन की। तो गाइज, अपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, ऑफिशियल ड्राइवर आपने रखने हैं इसके और डायग और पर्पल मोड के जो ड्राइवर हैं वो भी आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करे होने चाहिए, ताकि आपका सीरियल इजीली चेंज हो जाए, कोई एरर आपके बायपास में कोई मसला ना हो। तो गाइज, वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मैं अब इसको जो है जैसे ही हमारा सेटअप पूरा होता है मैं आप उसको पूरा कंप्लीट ऑन करके भी दिखाता हूँ। थैंक यू गाइस। एक साइड सारी घूम ली, शहर भी सारे घूम लिए।